माँ दुर्गा क्रिकेट कप फाइनल मैचों का आयोजन भंडार वन के ऐतिहासिक मैदान पर किया गया, जिसमें टॉस जीतकर माँ दुर्गा क्रिकेट क्लब ओड़ई जानकीपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 20 ओवर के गेम में 8 विकेट खोकर 265 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी अमखोरिया की टीम ने सभी विकेट खोकर भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। इस तरह से ओड़ई जानकीपुर की टीम ने 76 रनों से मैच में शानदार जीत दर्ज की और ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस जीत के हीरो रहे जानकीपुर के धाकड़ बल्लेबाज सोनू बंगाली, जिन्होंने की 86 रनों की धुआंधार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मनीष कुमार को दिया गया, जिन्होंने की पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। मैच में निर्णायक की भूमिका प्रतियोगिता के अध्यक्ष संदीप कुमार, उनके साथ गुंजन कुमार ने उम्दा अंपायरिंग की। वहीं कमेंट्री में भागलपुर जिले के मशहूर कमेंटेटर शंकर सुमन व नीरज सिंह, इनके अलावा लक्ष्मण सिंह, शाहनवाज आलम ने रोचक कमेंट्री की और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के शुभ अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में संजीवन मणि मुखिया, पंकज यादव सरपंच, प्रमोद राम, मृत्युंजय सिंह, दिवाकर सिंह, संतोष सिंह, पुरुषोत्तम कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा प्रतियोगिता के अध्यक्ष संदीप कुमार, गुंजन कुमार और हजारों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। वहीं प्रतियोगिता के कोषाध्यक्ष संतोष सिंह, नीरज सिंह, संदीप सिंह ने मीडिया को बताया, इस तरह से क्रिकेट आयोजन से युवा प्रतिभाओं को जौहर दिखाने का एक अच्छा मंच है। शुक्रिया हाजीपुर पंचायत के भी मुखिया जी विराजमान थे, कैसा लग रहा है आपको? उन्होंने भी जी पंचायत प्रतियोगिता में चार चांद लगाने के लिए जबरदस्त ढंग से छक्के मारने वाले, हैट्रिक, 500 रुपए का नगद इनाम संजीवन मणि की तरफ से, लगातार 6 गेंद पर 6 फाइनल का मैच मारने वाले को 1000 रुपए का नगद इनाम, आप उस साथ में बमनिया उनके द्वारा भी। आगे के लिए क्या रणनीति है टूर्नामेंट में, किस तरह का रिप्लेसमेंट ऑर्डर हो रहा है, चल रहा है अभी जो मैच चल रहा है? जी अभी ये फाइनल मुकाबला चल रहा है ओड़ई और किशनपुर अमखुरिया के बीच। जी MDCC के सभी सदस्यों ने ये बहुत बड़ा आयोजन किया है। जी क्रिकेट के जितने भी मुख्य बिंदु होते हैं जी उनका उन्होंने बहुत अच्छे से अनुपालन किया है। जी यहाँ के अध्यक्ष जो हैं संजीव जी, जी सचिव गुंजन जी और साथ कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी जो एक प्राइवेट स्कूल के संचालक भी हैं, उन लोगों के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया जा रहा है। हमें खुशी है कि मेरे पंचायत में सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को इस युवा नेता है आप जनता को इस चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस गणतंत्र के इस महीने में जी बिल्कुल हिंदुस्तान के इस सबसे बड़ी सदी में मुझे यह भी खुशी है कि इसी महीना में 22 तारीख को करीब 550 साल बाद प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। इस खुशी में मैं सभी विशेषकर क्रिकेट प्रेमी जो न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच आपको, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जीवन मणि सिंह, पंचायत समिति गुबराई। ओके बात है जी और ये सालों साल खेलता जाए तो इससे बहुत मन प्रसन्न और इससे आगे बढ़ने की रहता है, कोई जिला स्तर तक जा सकता है, जिला स्तर तक जा सकता है। आप सरपंच है, जनता नाम लेता है कभी कभी, बता रहे थे कम्युनिटी के बाद भी सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, तो युवा को क्या सहयोग देना चाहते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट में? इसमें तो बहुत मना हम सोचते हैं प्रोत्साहन मिले, अपने तरफ से नवाब देते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट को, है ना? अच्छा टूर्नामेंट हो। आप सर अपना पूरा परिचय दें। ग्राम पंचायत प्रोत्साहन मिले तो इसलिए जो है ये बहुत अच्छा खेल था, टूर्नामेंट चल रहा है। जनता का किस तरह से सहयोग मिला? जनता से तो भरपूर सहयोग मिला,
जो कि यहाँ बहुत ईमानदारी से खेल चल रहा था, उसमें एक पक्ष जो था उड़ाई को जीत मिल गया। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आप फोन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। का फाइनल मुकाबला है, कैसा लगा आपको? आपका नाम ले रहे थे और फाइनल मुकाबला है, सभी जनता नाम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। जनता को आशीर्वाद देना, जनता को जनता को जनता को हम ये बोलना चाहते हैं कि अच्छे से रहें और अपना कोई भी काम करें, मतलब अच्छे से आपका भी नाम हो और गांव का भी नाम हो, यही सोच रहा है। जनता का किस तरह से सहयोग मिल रहा है इस प्रतियोगिता का? जनता का बहुत अच्छा सहयोग है। पहले आप क्या करते थे? मैं पहले ओलंपिया में सीटियों का सेक्रेटरी हूँ, अभी रिटायरमेंट में रिटायरमेंट किए, छत्तीसगढ़ में था, रिटायरमेंट के बाद हमको गाँव अच्छा लगा, इसलिए हम आए। रिटायरमेंट होने के बाद आप लोगों ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया? हाँ, यहाँ मतलब अच्छा योगदान रहा है और एक्सपेंस भी किया आप? नहीं नहीं, ये तो सहयोग जैसे कुछ आप बच्चे को जो खुशी के लिए है ना, इतना तो होना ही खुशी नहीं, जब आप सक्षम है तब तो आप किसी को आगे। मैं देख रहा हूँ अगर आप सक्षम है तो कीपर की भूमिका में है। चले, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह। दूसरी बारी दिए पहले गए मतलब एक अच्छा सही बात। और सर, आपके यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, फाइनल मैच है आज, ठीक है ना? जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो किस तरह का फाइनल मैच हुआ आज? जी जी, फाइनल मैच तो लगातार लीग से अभी तक अच्छा ही अनुशासित ढंग से हुआ जी सर, और हमारी टीम जो है काफी अच्छे ढंग से काम की जी, और हम सफल भी हुए आज जी, और हमारा जो यहाँ टूर्नामेंट का जो उद्देश्य होता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जो ग्रामीण प्लेयर्स हैं जो कि साधन के अभाव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म MDCC की तरफ से देते हैं जी जी। ताकि यहाँ वो अपना प्रदर्शन दिखाए और जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और अंत में राष्ट्र स्तर पे भी नाम करें। यानी युवाओं को खेल को उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोगों का टूर्नामेंट का आयोजन किया? बिल्कुल बिल्कुल, जौहर दिखाने के लिए ये एक अच्छा मंच इन्होंने दिया। प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी प्रतिभा को मुख्य रूप से निखारने का जो होता है उद्देश्य, वो हमारे MDCC आप में किस तरह का टैलेंट टेम्परामेंट है, उस चीज को, जज्बे को दिखाएं, आप में किस तरह का हुनर है, गुण है, आदर्श है, कला है। और आप मीडिया कर्मी से भी उम्मीद है कि अगर आपका सहयोग रहा तो इसी तरीके से तो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा छिपी हुई है वो आपके रहमो करम से, आपके माध्यम से विस्तृत होगी और अंतिम सफर तक हमारे यहाँ के प्लेयर्स जो है वो तय कर पाएंगे। आप सर अपना परिचय दें। मैं संस्थापक सा प्राचार्य मेरिट मिशन अकेडमी एवं कोषाध्यक्ष MDCC भंडार। अभी फाइनल मैच जो कोषाध्यक्ष का, थैंक यू। आपका सहयोग नीरज सर भी थे यहाँ पर ना? जी जी, नीरज सब ठीक ठाक है ना माहौल एकदम? बिल्कुल, आप लोग के सहयोग, तमाम ग्रामवासियों का प्यार और यहाँ हमारे युवा जो MDCC के अध्यक्ष संदीप जी हैं, कुंजन जी सचिव हैं और अभी आप सुन रहे थे हमारे कोषा अध्यक्ष संतोष जी का, इन युवाओं ने काफी मेहनत किया कि हमारे ग्रामीण लेवल के जो प्रतियोगी है वो एक पहचान अपना जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बना सके और इस प्लेटफॉर्म को दिया आपके न्यूज चैनल MTV1
इंडिया न्यूज और न्यूज 24 के सौजन्य से ग्रामीण प्रतिभाओं को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।